वर्ल्ड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज झज्जर के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गुहार लगाई कि झज्जर जिला प्रशासन उनकी सुनवाई करे ताकि उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उन्हें रोका जा सके। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। पिछले 2 सालों से छात्र और छात्राएं लगातार परेशान हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से कॉलेज के डीन से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर भी मैसेज डाल चुके हैं, लेकिन नतीजा ज्यों की त्यों है। आज सभी छात्र छात्राओं ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और स्वेच्छा मृत्यु की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार हमें फैसला हमारे पक्ष में दे, नहीं तो हमें मरने की अनुमति प्रदान करे, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमारे माँ बाप ने हमें कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। काफी पैसे भी उन लोगों ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर कॉलेज वालों को दे दी है। पिछले 2 सालों से हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनके चेयरमैन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन छात्र छात्राओं की माने तो आश्वासन हमें काफी बार मिल चुका है। उन्होंने उपायुक्त मोदी के नाम जो ज्ञापन सौंपा है उससे भी उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्होंने हर न्यूज के साथ अपने दुख साझा किए, साथ ही उनके माता पिता भी उनके साथ मौजूद रहे। बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आए। क्या नाम है आपका? मैं रियाजगढ़ से हूँ। हमारा एक होता है ये वर्ल्ड कॉलेज में रहता है, लेकिन यहाँ कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, तो कोई स्टाफ नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं बच्चों को कहीं एडजस्ट किया जाए किसी दूसरे कॉलेज में, अगर यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ये सरकार की जो बिल्कुल बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, न स्टाफ है, न कोई मरीज है वहाँ, बच्चों का कोई प्रैक्टिकल लग रहा है, कुछ भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो कॉलेज वालों से अपने बात नहीं है इस मामले में भी, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं है। 2 साल से बराबर कह रहे हैं कॉलेज को, लेकिन कोई मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल मैनेजमेंट इंकार कर दिया, नहीं इनका एग्ज़ाम होने हैं, नहीं इनको कोई डिग्री मिलने वाली है। अब ये बच्चे न तो मैट्रिक हैं, न ये डॉक्टर हैं, ये किसी हिसाब इनका भविष्य खराब है। हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये 148 बच्चे हैं। और कहाँ से हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से क्या है, हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए सर, बच्चों का ऐसे है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में अटका हुआ है, जो कि ये जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो इनके लिए कोई फैकल्टी है, कोई टीचर, कोई सुविधा नहीं दे रखी है। ना यहाँ पेशेंट हैं, ना टीचर हैं, ना डॉक्टर्स हैं। इन बच्चों को जब कुछ सीखने का ही नहीं मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या? ये कितने सालों से? ये पिछले 3 साल से पहला ही बैच चल रहा है। 3 साल से इसके पास कोई बैच नहीं है, और उसके बाद आगे बढ़ आने का भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो बैच चल रहा है ये भी एग्ज़ाम देने के लिए MCI ने परमिशन नहीं दी इनको। तो आपके पास कोई सूचना मिली किस चीज़ की कि इनका बैच नहीं चल रहा है? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली थी। सेकंड ईयर में ये लगा था कि भाई इनके पास चार बार पांच बार ये MCI की विजिट हो चुकी है, हर बार इनको ये इनकी रिजेक्ट हुआ है। तो MCI से कोई आपने बातचीत की हो या आप उनसे? हमने सब जगह चक्कर लगा के देख लिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो इनका हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाँ जी, हाई कोर्ट में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाई कोर्ट में भी डेट पे डेट मिले जा रही है, तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है, जबकि हाई कोर्ट ने भी MCI की ऑडिट कराई थी, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। MCI ने तो अपने हाथ खींच दिया। MCI ने हमें क्या जवाब दिया? जवाब तो इनको दिया और गवर्नमेंट को दिया है। क्या जवाब दिया? कि ये कॉलेज आगे नहीं चलने वाला, उन्होंने इनको परमिशन ही नहीं दिया। MCI ने तो यही बोला है। क्या मामला जो चल रहा है आपका, कितनी कब से आपको परेशानी आ रही है? सर, 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं सफ़र। 1.5 साल पहले भी हम आए थे DC ऑफिस में, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम आज फिर आए हैं। आज हम लोग मर्सी किलिंग के लिए आए हैं यहाँ पे, कि परमिशन लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं? भूख हड़ताल पर हमारे दो कलीग्स हैं, हमारे नीरज और योगिता, वो कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और अमरण भूख हड़ताल है सर। जब तक हमारी मर्सी किलिंग की हमें परमिशन नहीं दी जाती तब तक वो बैठे रहेंगे। वो जाएंगे फिर हम कोई और बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे। कोई निश्चित नहीं है टाइम, अमरण अनशन है। अमरण अनशन आपने? हाँ जी सर। एक चीज़ और, ये MSI ने आपको मतलब कि मना क्यों कर दिया आप डिग्री के लिए? MCI की परमिशन सर, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं है कॉलेज के पास। जितना OPD चाहिए, जितने पेशेंट्स जो चाहिए, जो फैकल्टी चाहिए, वो नहीं फुलफिल कर पाई, इसलिए परमिशन नहीं मिल पाई MCI से। और अब हमारे 3rd बैच के रिन्यूअल की भी परमिशन रद्द कर दी गई है। तो आप बता रहे हो कि 1 साल से हम जूझ रहे हैं? 1.5 साल सर। हाँ जी।
तो आपने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? उठाया था सर, हाई कोर्ट से उम्मीद थी हमें सर, हमें था कि हो जाएगा कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन 1.5 साल हो गया, हियरिंग हो रही है हमारी, डेट आगे बढ़ी जा रही है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए बस अब मतलब 4.5 साल के कोर्स में 3 साल हमें स्ट्रगल करते हुए हो गए, अब और कुछ नहीं है, अब हमें सिर्फ सरकार से मर्सी किलिंग की परमिशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक 2 दिन हो गए आपका हड़ताल पर बैठे हुए ना? 3 दिन हो गए सर, कल से तो भूख हड़ताल थी, तीसरा दिन है आज। आपके पास कोई सरकारी मुआयन आए हैं आपके पास? आए हैं सर, कुछ आए हैं, 2-3 आए हैं, उन्होंने भी वो क्या सांत्वना दी है कि सांत्वना दी है कि हेल्प करेंगे, पर जब तक मतलब कोई फेवरेबल रिस्पांस नहीं आएगा हम लोग तो बैठे ही रहेंगे ना सर। वो आके तो कोई भी बोल सकता है, पर जब तक हमें दिखेगा नहीं कुछ हो रहा है पॉजिटिव, तब तक तो हम नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे हम यहीं पे। आज आपके चेयरमैन भी कोर्ट में आए हैं? हाँ सर, डीसी से मिलने आए हैं वो, हमसे तो उन्होंने बात भी नहीं की अब तक, उन्हीं से मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों आए हैं वो। जी विदिशा सिंह। कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से आपका एडमिशन कब हुआ था? जी 2016 में हुआ था हमारा एडमिशन, और फिर उसके बाद से ही 1 साल तक ठीक था, पर उसके बाद से फिर फैकल्टी नहीं है यहाँ पे, पेशेंट्स नहीं है यहाँ पर, और सारी दिक्कतें धीरे धीरे करके शुरू हुई। फिर हमने हाई कोर्ट में केस किया, पर फिर भी अभी हमें 1.25 साल हो गया, पूरा 1.25 साल 1.5 साल हो गया, पर हाई कोर्ट से भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अभी हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट से मर्सी किलिंग की डिमांड कर रहे हैं। तो आज आप डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या लगता है कि वो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुने और वो करे, पर हमें पर इतने साल से, हम 1.5 साल पहले भी यहाँ पर आए थे, हमने सब अपनी दिक्कतें सब यहाँ पे बताई थी, लेकिन कोई उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो अभी हम सिर्फ मर्सी किलिंग के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। हाई कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है, वहाँ से कोई आपको जवाब? जी नहीं, कोई उनका कुछ नहीं बोल रहे हैं वो कि हमें हेल्प करेंगे या कुछ, और बस हमारी डेट्स आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अब हम 3 साल 4.5 साल का हमें हमारा पढ़ाई का कोर्स है, और जिसमें से हम 3 साल से सफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या न्याय है, कैसा न्याय है, कौन इस हिसाब से, तो हम कैसे डॉक्टर बनेंगे? आप खुद बताइए कि आप अगर पेशेंट बनके हमारे पास आ सकते हैं ऐसे, हमें कुछ नहीं सिखाया गया है अभी तक, कुछ नहीं कराया गया, आप हमारे पास इलाज के लिए कोई आएगा हमारे पास? तो बस अभी हम मर्सी किलिंग की डिमांड कर रहे हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई हमें न्याय नहीं दे रहा है। हम शुरुआत में हमने मैनेजमेंट से ही बात की थी कि हमें ये सब दिक्कत है, ये है, वो सब यही कहते हैं कि आप सपोर्ट करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, ये वो। हिसाब से कोई कमी नहीं है कॉलेज में उनके हिसाब से, जितनी फैकल्टी, हाँ उनके हिसाब से जितनी ऐसा है कि उनके सब जितनी स्क्वायर फीट चाहिए ज़मीन उतनी है कॉलेज में सर, स्क्वायर फीट का हम क्या करेंगे? हमें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, स्क्वायर फीट का हमने क्या करना है सर? चाहे जितना मर्जी बड़ा कॉलेज बना लो, अगर टीचर्स ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हिसाब से 20 टीचर चाहिए उसमें, यहाँ पे 2 टीचर मुश्किल से हैं सर, स्लाइड रीडिंग करके चले जाते हैं, MBBS ऐसे नहीं होती, तो बस यही कंप्लेंट्स हैं हमारी। जी सर, सर कोई उम्मीद नहीं है, पिछले 2 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तब हमें न्याय की उम्मीद थी, अब वो सारी उम्मीदें तो हमारी शायद धूमिल हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते, कम से कम हमें मर्सी किलिंग, हमें मौत का अधिकार दे दो, जब आप जीने का अधिकार नहीं दे सकते थे। तो कल आपने कैंडल मार्च भी निकाला था, कैंडल मार्च से लगता नहीं मुझे कि सरकार पर आपका कोई? जी ये सरकार के कान खोलने के लिए, इस बैरी सरकार के, पर कोई हमें रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, कोई हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं है, अब तक कोई भी BJP सरकार का कोई भी नेता हमारा पक्ष जानने की कोशिश नहीं कर रहा, सब कोई आने को तैयार नहीं है, हमारी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। इतने सालों से इन बच्चों को, हम सभी साथियों को सफ़र करते हुए हो गए, अब तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा हमें। तो आपने मैनेजमेंट से कभी इस बारे में बात किया, अपने पेरेंट्स को बताया था आपने कि हमारे को? सर मैनेजमेंट का रवैया तो शुरू से ही ख़राब रहा है, मैनेजमेंट झूठे वादे करती है, शुरू से ही उन्होंने हमें थ्रेटन किया सभी बच्चों को, अब भी कभी कुछ बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं, फीस का दबाव बनाया जाता है, टाइम से पहले फीस मांग ली जाती है, फीस ले ले तो सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती। तो जब आप फीस उनको दे रहे हो समय से, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना, फीस हम समय से दे रहे हैं, यही हमारी समस्या, यही हमारी समस्या सर की जब हम फीस दे रहे तो जितनी फीस पेड कर रहे हैं तो सबसे हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, ये आप खुद बताइए नहीं होनी चाहिए? जब हम जिस चीज़ के लिए पेड कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, और क्या कुछ कोई गलत डिमांड थोड़ी है हमारी, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मांग रहे हैं, क्या हमारा वो भी अधिकार नहीं है? तो फिर उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, उनके हिसाब से तो कोई कमियां नहीं है, वो तो 3 टीचर लेके कहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज में कि 3 टीचर सफिशियंट है, अगर 3 टीचर से मेडिकल कॉलेज चलने लगे तो अरनुकुट चौराहे पे एक मेडिकल कॉलेज होगा, कल को आपका भी एक मेडिकल कॉलेज हो सकता है उनके।
उन्होंने कहा हमारे बच्चों को हक मिलना चाहिए। सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाती है, वहीं दूसरी ओर बेटियों के जीवन से खिलवाड़ करती है। आज इन बच्चों को जज्बा नेता उपेंद्र कादियान का भी समर्थन मिला। उन्होंने कहा मैं इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला से भी इस बारे में उनकी बात हुई है, जल्द ही दुष्यंत चौटाला इन बच्चों के हक के लड़ाई के लिए उनके साथ खड़े नजर आएंगे। उपेंद्र कादियान को जब पता चला कि मेरे छात्र साथी और युवा साथी आज कहीं ना कहीं परेशानी में हैं और वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो कल ही मैं वहाँ जा कर के और उन साथियों से मिल कर के आया, उनका हाल चाल जाना। मैंने पता किया कि क्या कोई प्रशासन की तरफ से आपकी मदद के लिए आया है, क्या सरकार की तरफ से कोई आस विश्वास या भरोसा दिया गया है। लेकिन वहाँ बैठी सभी छात्राओं ने जहाँ मेरा पहुँचने पर धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि आप पहले ऐसे शख्स हैं जो आप हमें पूछने के लिए आए हैं। युवा साथियों ने मेरे से कहा कि उनका एडमिशन 2016 में वर्ल्ड कॉलेज में MBBS में लिया गया था और काफ़ी मोटी फीस लेकर के उनके एडमिशन किए गए थे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो उन्होंने देखा है कि ना तो उनके वहाँ कॉलेज में पूर्ण रूप से स्टाफ उनके पास है और ना ही उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ कोई कर्मचारी हैं, जिस प्रकार की परेशानियों में वो हैं, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को एक अच्छा स्टेप इस चीज़ के लिए लेना चाहिए। और अगर BJP सरकार इस चीज़ के लिए स्टेप लेकर के उनको या तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का कोई सिस्टम बनाया जाए, या उनको MBBS की जो डिग्री उन्होंने कर ली है उसके साथ साथ उनके साथ जो इतने दिन से जो बर्ताव हो रहा है उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाकर कमेटी गठित करके इनकी सॉल्यूशन करना चाहिए। मैंने पता किया कि वो तो आमरण अनशन पर भी बैठने की बात कह रहे हैं और शायद बैठ भी गए होंगे, तो मैं दुष्यंत चौटाला जी से, जो कि बड़े ही बेबाक नेता हैं हमारे, उनसे भी मैं ज़रूर जिक्र करूंगा इस बारे में कि वो इन साथियों का हालचाल जानने के लिए ज़रूर आएँ। और दिग्विजय चौटाला जी से भी आज हमारी बात हुई है, उनके कार्यक्रम दूसरी तरफ के हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम छोड़ के भी आना पड़ेगा तो भी मैं आऊँगा। और इन छात्रों को और इन छात्राओं को अपनी तरफ से हम आस विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाला समय अगर दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुखिया बनकर के बैठे, तो सबसे पहले अगर हम कोई काम करेंगे तो इन साथियों की समस्याओं को दूर करेंगे और जो वर्ल्ड कॉलेज ने इनके साथ गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम। एक डेढ़ से डेढ़ या दो साल से उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसका भी कोई इनका समाधान नहीं हो पाया, कोर्ट भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को। उपेंद्र कादियान एडवोकेट हैं और एडवोकेट के साथ साथ मैंने लगातार कॉलेज में रह कर के और हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई की है, जितना दर्द शायद मैं इनका जानता हूं इतना और कोई नहीं जान सकता। और मेरी अगर कहीं इन साथियों को ज़रूरत होगी, मैंने कल भी उनके बीच कह दी थी कि महज आपसे 500 मीटर दूर मेरा मकान है, आप लोगों के लिए दरवाजे दिन और रात खुले हुए हैं और JJP के सभी साथी आप लोगों के पीठ के पीछे और आपके साथ खड़े हैं, जब आप कहोगे आपकी ताकत बन करके जो आप हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे हम पूरी करेंगे। और कानूनन रूप से मैं तो जो कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की है उसके लिए भी मैं तो विनम्र विनती करता हूँ कि इनका जो सोल्यूशन है, जो कोर्ट में केस चला हुआ है, उसके ऊपर जल्द से जल्द अपना फैसला दे करके इन साथियों को न्याय दिलाया जाए। ये एक ऐसी विडंबना की बात है इस प्रदेश के अंदर, जहां हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी छात्र और छात्राएं इस प्रकार की परेशानियों में हैं कि वो अपने आप को सरकार से परमिशन मांग रहे हैं कि हम आत्मदाह करने की हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि वो परेशानी में इतने ज़्यादा हैं, उनके घर के परिवार के आदमी इतनी परेशानी में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्ण जीवन की जो कमाई थी वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगा दी और आज उनका जो भविष्य है वो अंधकार में लटका हुआ है। तो मैं तो इसी बात को मान करके ये कहता हूँ कि सरकार को इसकी सूद लेनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बड़े नेताओं को यहाँ करके इनको आस विश्वास और भरोसा दिलाना चाहिए। उपेंद्र कादियान जी, आज DC को ज्ञापन भी दिया है उन्होंने जी, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने, विद्यार्थियों ने जी, तो पहले भी ये ज्ञापन दे चुके थे, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्या लगता है कि आपको इस ज्ञापन से DC ये सरकार ऐसी सरकार है जिसके कानों पर जू नहीं रेंगती। मैंने तो इनको कल भी साथियों को कहा था, अगर आपको कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो आप लोगों से भी अग्रणीय होकर के आपका ये भाई, आपका ये साथी, आप लोगों के साथ खड़ा होकर के JJP पार्टी, दुष्यंत और दिग्विजय जी आपके साथ खड़े होकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे और दिलाएंगे। झज्जर से गौरव के साथ नीरज की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।